अगर हिंदू राष्ट्र था और है तो इसमें समस्या क्या है दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरी जातियों को? तो बुद्धिस्ट ने कोई तोड़ा नहीं है देश को, न सरदारों ने तोड़ा ना जैनों ने तोड़ा, ये तो खाली मुसलमानों ने तोड़ा है इसको। घर में कैद करके वो बच्ची के ऊपर कितनी दुविधा होगी जो एक लीडर बनती थी, आज वो लीडर ना बन के, और हिंदू की बेटी के ऊपर इतना वो हुआ, तो इसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? और हम किसी भी किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर एक नई चीज का निर्माण कर भी नहीं सकते। वो कहावत था ना, कर्ज वही है साहूकार बदल जाएगा, यही समय रहेगा। अब ये समझ लीजिए कि 1,95,58,85,123 वर्ष हो गए सनातन धर्म को, पर ये है थोड़े से कानून और संशोधन के अंदर थोड़ी चेंजिंग लानी पड़ेगी जिससे ये घोषणा होनी है बस कि ये हिंदू राष्ट्र है। अभी जो हमारी नदियाँ, इतनी सारी नदियों का पानी जा रहा है, वो भी हम अभी ब्लॉक करने वाले हैं, अभी न्यूज़ में ऐसा आया था। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं इस समय। और तमाम लोग हैं, जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, सरकार के द्वारा तो नहीं लेकिन हाँ देश की जनता ज़रूर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है तमाम मंचों पर और तमाम जगहों पर। आपने सुना होगा हिंदू राष्ट्र के लिए कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं इस देश को, ऐसे में कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंस चड्ढा है जी। चड्ढा साहब, क्या कहेंगे, देश में इस समय हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ रही है, तो आपके हिसाब से क्या ये ठीक है? देखिए, ये मांग आज तक उठाई नहीं गई किसी भी मंच पर ढंग से। अगर आप इतिहास की बात करेंगे तो हम अपनी एज के अगर बात करें तो हमारी एज में हमें स्कूलिंग में भी इतिहास गलत पढ़ाया गया। आप अगर हिंदू राज की बात कर रहे हैं तो ये था ही हिंदू राज। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो हिंदू कुश पहाड़ क्या है, वो कहाँ से नाम पड़ा, इस चीज़ की तह तक जाना चाहिए था। पिछली सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया, बट आज की डेट में सरकार भी इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों को उम्मीद है सरकार से भी। और हिंदू राष्ट्र, हम पैदा हिंदू राष्ट्र में हुए, ये था ही हिंदू राष्ट्र। राम कौन थे, क्या मुस्लिम थे? उनकी औलादे जो थी लव कुश थे, वो कौन थे? तो उन्हीं के नाम पर अगर ये सनातन धर्म कहाँ से आया और कब से है सनातन धर्म, इस चीज़ की ये समस्या थी नहीं, इसको खड़ा किया गया। ये कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं था। आप लोगों को, हम लोगों को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए थी, जो आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, लोगों में जागरूकता बढ़ी है अपने धर्म के प्रति भी और राष्ट्र के प्रति भी। लेकिन देश में कई सारे तबके हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं, देश जो है संविधान से चलेगा, संविधानिक राष्ट्र ही रहना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा अम्बेडकर ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें विश्वास रखना बहुत एक अहम बात है। उसमें विश्वास, हर व्यक्ति का विश्वास होना चाहिए। और ये भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है, आज से नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है, तो इसमें कोई भी रहे पर हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? अगर हिंदू राष्ट्र था और है तो इसमें समस्या क्या है दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरी जातियों को? लेकिन लोग कहते हैं कि और धर्म के लोग हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, तो वो भी फिर अलग उसकी राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, वो कहेंगे कि ये वाला राष्ट्र बनना चाहिए। ये जैन, बुद्ध, सिख, ये कहाँ से आए हैं? इन्हें इतिहास बताइए ना, ये कहाँ से आए हैं? ये सब हिंदू हैं। आज एक अपने आप को एक अलग करके, इसीलिए तो हम पीछे रह गए कि हमने अलग अलग समीकरण बना दिए जी, हम हिंदू नहीं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम सिख हैं। बौद्ध किसको मानते थे, जैन किसको मानते थे, मुनियों को मानते थे, मुनि कौन थे? ऋषि मुनि ही थे, उन्होंने मुनि कर दिया, ऋषि हटाकर मुनि कर दिया। तो ये विषय, चर्चा का विषय है, एक अच्छे मंच की ज़रूरत है इस चर्चा को करने की। विमल मेहरा जी, क्या कहेंगे, देश में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ रही है तमाम लोगों के द्वारा, क्यों नहीं होना चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हिंदू ही रहेंगे और धर्म के भी लोग रह सकते हैं, बिकॉज हिंदू हैज़ ऑलवेज बीन वेरी टॉलरेंट। आप बताइए, कभी हिंदुओं ने किसी और देश पर कब्जा करने की कोशिश करी? रादर हमारे देश के कई टुकड़े हो गए, अफगानिस्तान, ये सब हमारे थे, अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया है,
ये सब हमारे थे, वो टूट गए तो हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन वो तो बुद्ध के समय था, जब सम्राट अशोक राजा हुआ करते थे, जब इस देश में बुद्धिज्म अपनी चरम पे था। तो बुद्धिस्ट ने कोई तोड़ा नहीं है देश को, न सरदारों ने तोड़ा, ना जैनों ने तोड़ा, ये तो खाली मुसलमानों ने तोड़ा है इसको। अलग करो जी, अलग करो जी, अलग करो। आज भी ये खड़े चिल्ला रहे हैं खालिस्तान खालिस्तान, वो सिख नहीं है, दे नॉट फ्रॉम द सिख धर्म। वो इस देश के ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं वो, उनका कोई मतलब नहीं है देश से। मुसलमान भी, मेरा सिंपल सा सवाल ये था सर कि हिंदू राष्ट्र में जो इस देश का वंचित तबका है, जो जातिपाद है, वो खत्म हो पाएगा क्या? खत्म हो पाएगा जी, जी, खत्म ऐसा है, ये आप बात कर रहे हैं कुछ भटके हुए लोगों की। ये वो भटके हुए लोग हैं जो कुर्सी के सताए हुए लोग हैं, जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग। आपको मतलब, आपको मतलब जो इस देश का SC ST है वो कुर्सी का सताए हुए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो समाजवादी है या BSP का है या कांग्रेस का है या भाजपा का है, किसी का नहीं, बट मैं मानता हूँ कि ये भटके हुए लोग हैं जिनको एक शिक्षा अच्छी नहीं मिली और वो ये काम कर रहे हैं कि हम ऊँची जाति के हैं और वो नीची जाति के हैं। ये जातिवाद आया कहाँ से, ये राजनेताओं द्वारा ही लाया गया। देखिए, हिंदू राष्ट्र है, देश है, कब नहीं था, आज भी है। अब पर जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो ये हिंदुवादी नेता और जो ये आजकल एक बहुत प्रचलित हो रहा है बालेश्वर धाम, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो इतनी उस एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ ऐसा होता, जब कहाँ चला जाता हिंदू प्रेम, कहाँ चला जाता इनका हिंदू राष्ट्र? हिंदुओं की बेटी के ऊपर इतना अत्याचार, वो घर में कैद हो जाती है, वो क्यों हो जाती है? हिंदुओं के साथ के इतना पढ़ित होने के बाद किस बात हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये, किस बात की मनसा है? हिंदू आज भी सक्सेस थे, आज भी है, जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता, जब एक को टारगेट कर कर घर में कैद करके वो बच्ची के ऊपर कितनी दुविधा होगी, जो एक लीडर बनती थी, आज वो लीडर ना बन के और हिंदू की बेटी के ऊपर इतना वो हुआ, तो इसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? जो इतनी बेसिकली मेरा सवाल ये है सर कि जो लगातार लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं, फिर ऐसे देश में और भी कम्युनिटी हैं, वो भी डिमांड करने लगेंगी, तो हिंदू राष्ट्र की डिमांड कितनी जायज़ है? देखिए भाई, हिंदू राष्ट्र बनना वो अलग बात है, जो हिंदुओं की है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान तो हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू राष्ट्र बनेगी। मैंने बार बार आपसे चैलेंज को आपको कह रहा हूँ कि जब एक हिंदू की बेटी के साथ इतना बड़ा होता है, तो कहाँ चला जाता है हिंदू प्रेम, कहाँ चला देते हिंदू के नेता, कहाँ चले जाते हो बालेश्वर धाम के जो महंत बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? किस कहाँ, कौन सी गुफा में छुप जाते हैं? जो एक लड़की का बचाओ, एक सिंगल लड़की का बचाओ नहीं करता, 140 करोड़ की जनता में जो हिंदू की आबादी ज़्यादा है उसको भी नहीं कर सकते आप, ये बताइए कहाँ चली जाती है? हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात आती है, किस बात का? हिंदू का देश है और हिंदू आस्था का देश है, हिंदू के हिंदुस्तान था, है, रहेगा। कितना सहमत आप हिंदू राष्ट्र से? देखिए, अब ये तो भारत एक सबसे बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और विश्व में देखा जाए दूसरी आबादी वाला देश है वर्तमान में, और तीसरी बात यह है कि सनातनी संस्कृति का इकलौता देश है भारत। अब अगर हम इसको हिंदू राष्ट्र वाली अगर बात करते हैं, तो भारत में न जाने कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, और भारत सभी का आस्था की मतलब इज्जत करता है, सम्मान करता है, और हम किसी भी किसी की आस्था को चोट पहुंचाकर एक नई चीज़ का निर्माण कर भी नहीं सकते, ये भी है। उससे ऊपर हमारे पास संविधान है, हमारे पास विधायिका है, हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास कार्यपालिका है, हमारे पास और भी हैं, तो इन सब चीज़ों को पार करके और साथ के साथ सभी धर्मों के लोगों की स्वाभिमान का सम्मान करते हुए, साथ के साथ ये भी मैं कहूँगा कि जनता, भारत के लोग चाहेंगे, आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे जगह जगह पर, हर राज्य में डिमांड होगी, मांग होगी, लोग कहेंगे, चाहे छाती पीट के कहें, चाहे हाथ जोड़ के कहें, चाहे हाथ उठा के कहें, तो सरकार को ऐसा फिर करना पड़ सकता है संविधान के तहत, लोगों की डिमांड के तहत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको कि मतलब इस तरीके से अगर गुजरा गया, ऐसा माहौल बना,
तो फिर वो बाद में सोचा जाएगा। लेकिन ये बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा बहुत बड़ी बात है, ये एकदम बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग हमारे देश के अंदर ऐसे भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब ने इस देश को आज़ादी कराने में अपनी अपने कुछ लोग शहीद हुए हैं, तो सबका हकदार है, सब 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 उसमें सबकी सहमति भी है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो आप बात करें पत्रकार महोदय, ये विषय थोड़ा अलग से है, इस पर अलग प्रकाश डालना पड़ेगा, अलग बैठक होगी, हाई कमान आला कमान कई जी, जी, तरह के लोग इसमें बैठ के चर्चा करें। क्या कहेंगे सर, देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की जो मांग बढ़ रही है, कितना समर्थन करते हैं सर? सर देश ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, और ऐसे ही चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। वो कहावत है ना, कर्ज वही है, साहूकार बदल जाएगा, यही समय रहेगा। हिंदू राष्ट्र कुछ बदलने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं बदलने वाला, अपने आत्मा में झांक के देखेंगे जब काम होगा। क्या कहेंगे आचार्य जी? जी हिंदू राष्ट्र को क्या कहना चाहेंगे, लोग लगातार माहौल बनता जा रहा है देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर। देखिए हम तो कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र इसलिए बनना चाहिए कि पहले भी ये हिंदू राष्ट्र था, आज से अरबों वर्ष पहले हिंदू राष्ट्र ही था, जैसे कि सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र एक ही है। अब ये समझ लीजिए कि 1,95,58,85,123 वर्ष हो गए सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृत को। उस समय हम पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म ही था। आचार्य जी बदल क्या जाएगा इससे? हिंदू राष्ट्र से कल्चर बदल जाएगा, सब लोगों की सोच बदल जाएगी। क्या जात पात है जो देश में वो खत्म हो जाएगा? नहीं, जात पात नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन सोच बदल जाएगी। सोच पर ही सब कुछ डिपेंड है। सोच से एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो ये निश्चित नहीं होता कि वो बच जाएगा या मर जाएगा, लेकिन उसकी भावना और सोच उसकी अच्छी होती है। तो क्या है? अभी जो सोच है लोगों की, आचार्य जी मूछ रखने पे मार देते हैं, घोड़ी चढ़ने पे पिटाई हो जाती है, इस तरीके की घटनाएं क्या रुकेंगी हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल रुकेंगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, वहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, और सारे कंट्री जो है अपने अपने देश का राष्ट्रीयकरण कर दिए हैं, वहाँ पे और सारी जन कास्ट के लोग नहीं, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर जगह, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र हो गया है। वैसे सऊदी में ले लीजिए, कुवैत, इराक में ले लीजिए, हर जगह जो है हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ की राष्ट्रीयता हो गई। कुछ और लोग में जी क्या कहना चाहेंगे देश में हिंदू राष्ट्र? देखो हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो कोई बुराई भी नहीं है, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए देश के अंदर पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है, इसको तो सारी दुनिया भी मानती है, और आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ 152 कंट्री देश में हैं, अगर उनको भी घूम के आओगे तो वो कहते हैं हमारा भारत जैसा हमने आज तक कोई कंट्री देखी नहीं है। यहाँ पर जो है ना 3-3 ऋतुएँ होती हैं, बारिश भी होती है, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी होती है। दूसरी बात हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो थोड़ा सा लोगों ने जो है ना पश्चिमी देश की तरफ लोगबागों का भाग, हिंदू राष्ट्र होने से कल्चर बदल जाएगा, कल्चर भी बदल सकता है, क्यों नहीं बदलेगा जब, और क्या बदलने है? और क्या बदलने वाला है? देखिए हिंदू राष्ट्र बनने से मेरे हिसाब से तो देश में से किसी को भी निकाला तो नहीं जाएगा, ये तो खैर गलत चीज़ है, लोगबाग अफवाह फैला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के बनने के बाद में और देश से इनको निकाल देंगे। यहाँ पर हिंदू भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे, सब जातियाँ रहेंगी यहाँ पर। पर यह है थोड़े से कानून और संशोधन के अंदर थोड़ी चेंजिंग लानी पड़ेगी, जिससे ये घोषणा होनी है बस कि ये हिंदू राष्ट्र है, वो एक जो है ना प्रशासन को मिलके और 140 करोड़ देश की समाज में तमाम खामियां हैं, ऊंच नीच है, जातिवाद है, जातिवाद ये खत्म होना चाहिए, जातिवाद का अब कोई समय नहीं रहा, अब जातिवाद खत्म होना चाहिए बिल्कुल। तो जातिवाद का कोई समय नहीं रहा है, कुछ और युवा भी हैं उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। हिंदू राष्ट्र से क्या होने वाला है देश में? पूरे देश में एकता आएगी और हिंदुओं का दबदबा बनेगा कि अभी तक जो मुसलमान है वो अपनी करते आए हैं कि ये क्या करते आए हैं, ये कि बताते हुए जो हमारा बंटवारा हुआ है पाकिस्तान का उसमें भी उन्होंने ही ज़्यादा फायदा लिया है,
इंडिया का कोई फायदा नहीं है। अभी जो हमारी नदियां इतनी सारी नदियों का पानी जा रहा है वो भी हम अभी ब्लॉक करने वाले हैं, अभी न्यूज में ऐसा आया था, तो इसलिए हमें हिंदू राज सपना बनाना चाहिए। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की सोच है और तमाम लोगों ने अलग अलग पॉइंट रखे हैं अपने कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या क्या होने वाला है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि हिंदू राष्ट्र होने से क्या होगा और इस देश में क्या क्या तरक्की होगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।